हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू लिली फ्लेवर्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ आंध्र ट्रेडिशनल दिब्बा रोटी। ये रेसिपी अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, बहुत टेस्टी लगते हैं। इस रेसिपी को बैचलर्स भी बहुत इजी से बना सकते हैं, इसे आप कभी भी बना सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट रेसिपी है। इसके लिए पहले इडली बैटर को रेडी कर लेना है। इडली बैटर के लिए जनरली 1 कप उड़द का दाल के लिए 2 कप इडली रवा ऐड करके इडली बैटर रेडी कर लेना है। इडली बैटर को मैरिनेट करके ओवरनाइट रखने से ये फर्मेंट हो जाएंगे। इस फर्मेंटेड बैटर से हम दिब्बा रोटी बनाएंगे। इडली बैटर से आपको अगर इंस्टेंट दिब्बा रोटी बनाना हो तो इसमें थोड़ा दही ऐड करके बना सकते हो। अब इस बैटर में हम बारीक कटे हुए 1 प्याज, बारीक कटे हुए 6 से 7 हरी मिर्च और कुछ कटे फ्रेश करी पत्ते, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 3 चम्मच बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को ऐड करके बैटर में अच्छी तरह मिक्स करना है। सारी चीज़ें बैटर में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपके बैटर अगर गाढ़ी हो तो थोड़ा पानी ऐड करके बैटर में मिक्स कर ले और बैटर ऐसे मिक्स करने के बाद दिब्बा रोटी बना लेना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब एक थिक नॉनस्टिक पैन या ऐसा कढ़ाई लेना है। अब कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद 3 से 4 कलछे बैटर को डालना है। दिब्बा रोटी जनरली मोटे ही डालते हैं। आपको अगर थोड़ा पतला और क्रिस्पी चाहिए हो तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के इडली बैटर थोड़ा डाल के स्प्रेड कर ले। ऐसे थोड़ा स्प्रेड करने के बाद कवर करके लो फ्लेम में 6 से 7 मिनट तक कुक करना है। हमने यहाँ दिब्बा रोटी मोटा डाला है, अंदर तक अच्छे से कुक होना है, इसलिए लो फ्लेम में ही कुक करना है। हाई फ्लेम में कुक करने से ऊपर कलर आ जाएंगे, अंदर तक सीजेंगे नहीं। अब 6 से 7 मिनट बाद कवर निकालने से इस तरह अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगे, एडजस्ट हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएंगे। अब एडजस्ट को इस तरह लूज करके टर्न कर लेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं दिब्बा रोटी कितने इवनली अच्छे से पक चुका है। अब दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल डाल के 2-3 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे। 2-3 मिनट बाद निकालने से दिब्बा रोटी दोनों तरफ इवनली पककर रेडी हो जाएंगे और बस सिंपल टेस्टी आंध्र ट्रेडिशनल दिब्बा रोटी रेडी हो गया। ये दिब्बा रोटी अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, बहुत टेस्टी लगते हैं। इस दिब्बा रोटी को अपने मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके अपने अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नई रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।